हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इनविजिबल पाइपिंग कैसे लगाते हैं नेक पे। तो सबसे पहले मैंने नेक को रेडी कर लिया है और अब मैंने इसमें इस तरीके से निशान लगा लिया है, जहाँ तक हमारी बुकरम है वहाँ तक। तो आपको पाइपिंग को जो निशान हमने लगाया है उसको थोड़ा सा इधर रखते हुए सिलाई चलानी है, या बिल्कुल आपको उस निशान के ऊपर रख के इस तरीके से पास पास में सिलाई चलानी है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप ये ध्यान रखें जो नेक है उसके बाहर की तरफ मूव करना है आपको पाइपिंग का, और पाइपिंग आप खुद से बना सकते हैं। यहाँ पे मैं रेडीमेड पाइपिंग यूज़ कर रही हूँ, आप खुद से बना के भी पाइपिंग जो है यहाँ पे लगा सकते हैं, और मैं नॉर्मल हुड से ही लगा रही हूँ। तो इस तरीके से आप जो जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहीं पे आपको रख के यहाँ पे सिलाई चलाते जाना है। बिल्कुल पास पास चलाएंगे तो ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। आप कोई नुकीली चीज़ ले लें जिससे कि जो है आपकी सिलाई में सफाई आए। तो यहाँ पे मैंने सुई ही ले रखी है, तो आपने चारों तरफ लगा लेना है कोई सा भी नेक का डिज़ाइन हो आपका, और जब आपका सेंटर आता है तो उस पर इस तरीके से आपको रोक के सुई को, और फिर से जो है बिल्कुल पास पास में सिलाई चलानी है। तो यहाँ पे जो है मैंने नेक जो है वी शेप में कट कर रखा था। वी को भी वी जो है ज़्यादा कर्व वाला वी था, बिल्कुल स्ट्रेट वी नहीं था, क्योंकि स्ट्रेट वी बनाएंगे तो इतना अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से जो है आपने पाइपिंग लगानी है। मैंने इसको को फैब्रिक पे प्लेस किया था जस्ट, और इस तरीके से पाइपिंग को लगाया मैंने। आपको ध्यान बस ये रखना है बाहर की साइड मुंह करना है पाइपिंग का, क्योंकि पजल हो जाते हैं कि पाइपिंग का मुंह किस तरफ होगा। और अब इसको इस तरीके से आपको प्लेस कर देना है फैब्रिक के ऊपर, सेंटर मार्क कर लेंगे फैब्रिक का, और इस तरीके से आपको जो सिलाई आपने लगाई है जब आप उल्टा करके देखेंगे तो आपको सिलाई चली हुई दिखेगी, जिस पर हमने पाइपिंग के बिल्कुल पास पास जो लगाई थी उसके बिल्कुल ऊपर आपको सिलाई चलानी है। बिल्कुल ऊपर चलाएंगे तो इधर उधर नहीं जाएगी, और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जो है आपकी पाइपिंग लगेगी। तो ये उनके लिए जो जिनको जो है गुम सिलाई लगा गुम पाइपिंग लगाना नहीं आता गले में। तो इससे पहले मैं गुम सिलाई चाक में गुम सिलाई कैसे बनाते हैं, गुम पाइपिंग कैसे बनाते हैं, ये वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ, और जो है चाक को पक्का कैसे करते हैं मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था। हम रोज़ जो है स्टिचिंग से रिलेटेड, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और कुछ सीखने को मिलता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो देखिए, इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद आपको आधा आधा इंच मार्जिन रख के कट कर देना, जैसे कि हम नॉर्मल जब नेक बनाते हैं उसमें करते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे कट्स मैंने लगा दिए इस तरीके से, और जो है सेंटर में जो वी था उस पर भी आप कट लगा दें, बस सिलाई ना कटे। और ये पाइपिंग में भी साथ साथ लग रहे हैं ये कट, तो उससे बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। और जब आपको इस तरीके से आप इसको फोल्ड करेंगे तो पाइपिंग जो है वो बाहर की तरफ दिखाई देगी, और आप जो है इस तरीके से फोल्ड करके बिल्कुल पाइपिंग के पास में सिलाई लगा देंगे। थोड़ा सा भी बाहर की साइड नहीं लगाएंगे, बिल्कुल पाइपिंग के ऊपर आप जो सिलाई लगाएंगे, जिससे कि आपके नेक की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो आइंदा से जब भी आप इनविजिबल पाइपिंग लगाने की सोचें तो सोचेंगे नहीं, बिल्कुल आप जो है एक बार में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगा पाएंगे। और आज की हमारी वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही हमें कमेंट करके लिख लीजिएगा, और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम जो है रोज़ तो डालते ही हैं। तो आप जो है इस तरीके से अपनी जो है इनविजिबल पाइपिंग नेक पे लगाएंगे तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ जो है हमारा नेक रेडी हो गया। पीछे से भी देख लीजिए और आगे से भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राधे।